पेंगोंग से खदेड़ा तो चीन से आई धमकी, 1962 से भी ज्यादा तबाह होगा भारत। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी सेना ने LAC को पार नहीं किया तो भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर बड़ी खबर। भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, बैठक में सरहद के ताज़ा हालात की समीक्षा, हर हलचल पर कड़ी निगरानी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बुला सकते हैं मीटिंग। भारत चीन सरहद विवाद पर चर्चा, LAC पर भारत और चीन की तनातनी और बढ़ी। काला टॉप पर दोनों सेनाओं के टैंक एक दूसरे की फायरिंग जद में आए। चीन ने काला टॉप पर जासूसी के लिए लगाए थे कैमरे, भारत की सेना ने सबको हटाया। सुशांत केस में आज रिया से पूछताछ नहीं, कल CBI ने 9 घंटे तक दागे थे सवाल। आज रिया के माता पिता से पूछताछ, सुशांत के रिश्तों को लेकर हो सकते हैं सवाल। लिव इन रिलेशनशिप और सुशांत के साथ झगड़ों को लेकर भी हो सकते हैं सवाल। क्या रिश्ते से निकालना चाहते थे सुशांत? क्या कभी रिया ने सुशांत की मानसिक हालत को लेकर कोई बात की? क्या माता पिता की भी सुशांत से होती थी बातचीत? पैसों के लेन देन पर भी हो सकती है पूछताछ, ड्रग्स लेने की खबरों पर भी सवाल मुमकिन। डॉक्टर कफील पर NSA लगाना गैर कानूनी, तुरंत रिहा करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से NSA हटाने का आदेश दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने NSA हटाने का आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील पर NSA लगाने को चुनौती दी गई थी। डॉक्टर कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल डॉक्टर कफील पर नागरिकता संशोधन कानून CAA और NRC को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में NSA के तहत कार्रवाई की गई थी। DM अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉक्टर कफील पर NSA लगाया था। पिछले कई महीनों से कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पार्वती नदी में आए उफान से सैलाब का संकट, कोटा को जोड़ने वाली सड़क बंद, भारी बारिश से उफान पर नर्मदा। भरूच में ड्रोन कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें, भरूच में खतरे के निशान से 24 फीट ऊपर बह रही है नर्मदा नदी, की सड़कों पर चल रही है नाव। उफान पर दक्षिण गुजरात के 2 डैम, काकरा पार के ऊपर से बह रहा है पानी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी तबाही, सैलाब में फंसे सैकड़ों लोग, NDRF ने अब तक 70 लोगों को किया रेस्क्यू। लोन पर मॉरेटोरियम 2 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव, सरकार ने दिया हलफनामा। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा, हम ऐसे सेक्टर की पहचान कर रहे हैं जिनको राहत दी जा सकती है, ये देखते हुए कि उनको कितना नुकसान हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब और देर नहीं की जा सकती। लोन मॉरेटोरियम यानी कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए मिली मोहलत के दौरान ब्याज माफी के अनुरोध वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अर्थव्यवस्था में समस्या सरकार के लॉकडाउन की वजह से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पक्ष से कहा, आपने कहा कि रिजर्व बैंक ने इस बारे में निर्णय लिया है, हमने इस बारे में रिजर्व बैंक का जवाब देखा है, केंद्र सरकार RBI के पीछे छुप रही है।